ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि एक बीकर है, ठीक है जी. अब उस बीकर में हम एक लिड लगा देते हैं, यानी कि एक ढक्कन लगा देते हैं, और वो जो ढक्कन या जो लिड है वो मूवेबल है, नीचे ऊपर हो सकता है, राइट. और उस बीकर में नीचे से पानी भरा जाता है, तो किस लेवल तक पानी वहां पे भरा जाएगा? जिस लेवल पे ढक्कन होगा, लिड होगा. समझ पा रहे हैं? अगर मुझे और पानी भरना है उस बीकर में, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उस लिड को पहले ऊपर लेके जाना होगा. अच्छा, पहले पानी ऊपर जाएगा या पहले लिड ऊपर जाएगा? यस, पहले लिड ऊपर जाएगा, उसके बाद और उसमें पानी भरेगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं पहले पानी भरूं, पानी भरेगा नहीं उसमें. पानी उतना ही भरेगा जितनी लिड है, लिड के आगे पानी नहीं जाएगा. समझ पा रहे हैं? उसी तरह से जो ये लॉ है वो ये कहता है कि हमारी इनकम, हमारी सफलता, हमारा टाइटल उतना ही होगा जितनी हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं. सो लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, मोदी के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रेटिंग दो कि आपके हिसाब से मोदी के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर 10 तक आपका लीडरशिप स्किल किस नंबर का है. 1 सबसे कम, 10 सबसे हाई. सो आप 10 सेकंड जरा सोचिए और अपने आप को रेटिंग दो 1 से लेकर 10 नंबर तक. नेक्स्ट स्लाइड करना. 1 से लेकर 10 नंबर तक अपने आप को रेटिंग दो. दे दिया जी. सो भी बताना चाहेगा क्या रेटिंग दी आपने अपने आप का? 5, 3, 4, 5, 7, 9. कितने लोगों ने 10 दी है? चलो मैं आपको इन नंबरों का मतलब बता देता हूं. अगर मेरी रेटिंग है 10, इसका मतलब है मैं अवतरित हो चुका हूं. आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं भीष्म पितामह हूं. और मेरी टीम में कम से कम 100 जीबीडी है जो 50 लाख में महीना कमा रहे हैं. तो मैं अपने आप को कौन सी रेटिंग दूंगा? 10. अगर मेरी रेटिंग है 9, तो कम से कम 20 जीबीडी होंगे. अगर मेरी रेटिंग है 8, तो कम से कम 10-12-15 जीबीडी होंगे, 10 जीबीडी होंगे. अच्छा, 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1 होती तो आप यहां पे होते ही ना. तो मैक्सिमम लोगों की जो रेटिंग होगी वो मेरे हिसाब से 4-5-6 के बीच में होगी. यहां कितने लोगों ने 4-5-6 के बीच बीच में अपने आप को रेटिंग करी है? सो दिस इज द करेक्ट रेटिंग. ऑफकोर्स 3 भी होगी जो अभी शुरू ही कर रहे हैं, पर 1 नहीं है और 10 नहीं है, ये मुझे मालूम है. अभी तक भारत में कोई एक्टिव नेटवर्कर ऐसा नहीं है मोदी के लिए जिसकी 1 या 10 हो, राइट. नाउ अब अगर मुझे आगे बढ़ना है मोदी के में, और लेट्स से मेरी रेटिंग इस समय है 4, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं हूं 4 के लेवल पे, लिड है 4 पे, तो जो मेरी अर्निंग, जो मेरा सक्सेस होगा वो या तो 4 होगा या 3 होगा, कभी 5 नहीं हो सकता, क्योंकि लिड किस लेवल पे है? 4 पे. अब अगर मैं 5, 6 या 7 पे जाना चाहता हूं, तो मुझे अपनी लीडरशिप लिड को ऊपर लेके जाना पड़ेगा. पहले लीडरशिप लिड ऊपर जाएगी, उसके बाद मेरा टाइटल ऊपर जाएगा. ऐसे कभी नहीं होगा कि पहले मैं जीबीडी बन गया उसके बाद लीडर बन जाऊंगा. ना, पहले मैं लीडर बनूंगा उसके बाद मैं जीबीडी बनूंगा. समझ पा रहे हैं? So this law also says that everything rises and falls on leadership. Everything. आपकी सफलता आपकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करती है. That's it. और कोई कारण नहीं है. So let me give you some examples. और ये हर फील्ड में है, सिर्फ मोदीगर में नहीं है, ये हर फील्ड में है. मोदीगर में तो है ही है. आप कितने अच्छे पेरेंट हैं, बच्चे कितने अच्छे तरीके से संस्कार लिए हैं, वो पेरेंटिंग के मामले में हमारी लीडरशिप स्किल्स कितनी है.
समझ पा रही हैं जी? सो एक कंपनी है मैकडॉनल्ड्स, कितने लोग जानते हैं, बर्गर बनाती है। मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत की थी दो मैकडॉनल्ड भाइयों ने, और हमें जानते हैं कि सक्सेस उतनी होगी जितनी लीडरशिप स्किल्स हैं, कैसा नाम। तो जब मैकडॉनल्ड भाइयों ने मैकडॉनल्ड्स कंपनी की शुरुआत करी तो उन्होंने तकरीबन 10 मैकडॉनल्ड के जो है रेस्टोरेंट खोले। तो तकरीबन 5 से 8 सालों में उन्होंने मेहनत करके कितने रेस्टोरेंट खोले, 10। उसके आगे नहीं खोल पाए क्योंकि उनका जो लेवल था लीडरशिप का उसी लेवल तक वो मैकडॉनल्ड को लेके जा पाए, और 10 के बाद रुक गए, 10 के बाद आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि लीड आ गई। गेटिंग योर पॉइंट? उसके बाद क्या हुआ कि मैकडॉनल्ड भाइयों ने अपनी कंपनी एक व्यक्ति को बेच दी, उसका नाम था रे क्रॉक। अब जो रे क्रॉक थे उनकी जो लीडरशिप लीड थी वो बहुत हाई थी, अगर मैकडॉनल्ड्स की 4 पे थी तो रे क्रॉक की 8 पे थी। कंपनी वही थी, यस नो, बर्गर भी वही बनाती थी, रेस्टोरेंट भी वैसे ही थे, लेकिन एक पहले लीडर कंपनी के उनकी उनकी लीड था नीचे, फिर दूसरा जो लीडर आया कंपनी का रे क्रॉक उनकी लीड थी ऊपर। तो जैसे ही कोई ऐसा लीडर आया जिसकी लीड हाई थी तो रे क्रॉक की लीडरशिप के अंदर अंदर अगले 10 सालों में मैकडॉनल्ड्स जो है, जहां पहले 10 सालों में सिर्फ 10 स्टोर खोल पाया, अगले 10 सालों में मैकडॉनल्ड्स दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में पहुंच गया क्योंकि मैकडॉनल्ड्स कंपनी की लीडरशिप लीड हाई हो गई। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे एक और कंपनी है एप्पल, कितने लोग जानते हैं एप्पल के बारे में, एप्पल के आईफोन आते हैं। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, नहीं आएंगे, स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स ने एक गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत करी, उनकी लीडरशिप लीड बहुत हाई थी, और जब उन्होंने शुरुआत करी तो पहले कुछ सालों में एप्पल बहुत बढ़िया ग्रो करा, लेकिन फिर कुछ हुआ कंपनी में और स्टीव जॉब्स को कंपनी छोड़ के जाना पड़ा। जैसे स्टीव जॉब्स ने कंपनी छोड़ी एप्पल की जो ग्रोथ थी वो कम होनी शुरू हो गई और एप्पल बंद होने की कगार पे आ गई। और फिर जब कंपनी के मैनेजमेंट ने देखा कि अरे एप्पल तो बंद होने वाली है, चल नहीं रही, घाटा हो रहा है, तो उन्होंने स्टीव जॉब्स को कहा कि भाई साहब आप दोबारा कंपनी में आ जाओ, और स्टीव जॉब्स को मनाकर उनको दोबारा कंपनी में लाया गया, और 12 साल के बाद स्टीव जॉब्स कंपनी में वापस आए। अब स्टीव जॉब्स की जो लीडरशिप लीड है वो बहुत हाई थी, तो स्टीव जॉब्स ने जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कि आईफोन, आईमैक, आईट्यून्स, कई तरह के नए स्टोर खोले। जैसे स्टीव जॉब्स आए कंपनी की लीडरशिप लीड ऊपर हुई तो उनकी लीडरशिप लीड के अंडर एप्पल कंपनी जो एक बार बंद होने वाली थी, स्टीव जॉब्स की लीडरशिप के अंडर एप्पल कंपनी दुनिया की नंबर एक कंपनी बन गई, सबसे बड़ी कंपनी। इस समय भी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, एप्पल। कई सारे देशों की इकोनॉमी अगर हम जोड़ दें वो भी एप्पल का मुकाबला नहीं कर पाते। तो जो कंपनी बंद होने वाली थी नंबर वन कंपनी कैसे बन गई, लीडरशिप, लीडरशिप के कारण, क्योंकि जो लीडर था उसकी लीड बहुत हाई थी क्योंकि उसमें क्षमता बहुत ऊंची थी। और हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम बात करते हैं मोदी केयर की। मोदी केयर की शुरुआत की मिस्टर समीर मोदी जी ने, और उन्होंने बहुत तेजी से मोदी केयर को आगे लेकर गए, लेकिन कुछ कारण से वो मोदी केयर से फिर अलग हो गए। लेकिन एग्जैक्टली 12 साल के बाद जब मिस्टर समीर मोदी जी दोबारा मोदी केयर में आए, और जैसे ही वो मोदी केयर में आए 4 साल पहले और पिछले 4 साल वालों में मोदी केयर की ग्रोथ 15 गुना हो चुकी है। इस समय मोदी केयर पूरे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर समीर मोदी। तो ये हमें सारी चीजें क्या दिखा रहा है कि कंपनी की सफलता हो या आपके ग्रुप की सफलता हो, आपकी टीम की सफलता हो, ये सब निर्भर करता है लीडर की